सोनम कपूर के घर पर हुई 1.5 करोड़ की चोरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रही हैं। हाल में ही सोनम कपूर ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, जिसके बाद से ही उन्हें काफी सारी विशेष दी गई थी और आए दिन सोनम कपूर अपने बेबी बम के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करती ही रहती है, जो की तुरंत ही वायरल हो जाती है। वहीं बॉलीवुड से अब ये बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि सोनम कपूर और उनके हस्बैंड आनंद आहूजा के दिल्ली वाले घर पर अब तकरीबन 1.5 करोड़ की चोरी की गई है और चोरी करने वाले इंसान ने सोनम कपूर के घर से कुछ कैश और ज्वेलरी चुराया है, जिसकी कीमत 1.41 करोड़ बताई जा रही है, जिसके चलते पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस के साथ ही साथ फोरेंसिक टीम भी इस केस की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और सोनम कपूर के तकरीबन 25 घर के एम्प्लॉयज से इस वक्त पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेजेस को भी अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। बता दें कि सोनम कपूर के घर पर यह चोरी 11 फरवरी को की गई थी और उसके बाद 23 फरवरी को इस चोरी की कंप्लेंट दर्ज कराई गई और क्योंकि सोनम कपूर और आनंद आहूजा हाई प्रोफाइल लोग हैं, इसी वजह से इस केस को काफी ज्यादा दबाकर रखा गया था और मीडिया में इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। लेकिन अभी तक इस केस के बारे में कोई भी बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है। वहीं अभी हाल में ही सोनम कपूर के हस्बैंड आनंद आहूजा की एक्सपोर्ट कंपनी में 27 करोड़ का घपला भी किया गया था।